हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में जनवरी 2022 से यानी 1 जनवरी 2022 से कई सारे चेंजेज आ रहे हैं। उन चेंजेज से संबंधित पोर्टल पर भी काफी अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि पोर्टल पे कौन कौन से अमेंडमेंट आ गए हैं। तो इसमें दो बहुत बड़े चेंज हैं जिनको हमें समझना जरूरी है और जो हमें काफी फायदा देने वाले भी हैं, क्योंकि इसको समझे बिना अगर हम काम करते हैं तो हमें पेनाल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जीएसटी पोर्टल पे वो कौन से अमेंडमेंट हैं जो आ गए हैं, उस पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 एज अमेंडेड ऑन जीएसटी पोर्टल, ये 3 जनवरी 2022 को आया है, जिसमें ये बताया गया है कि ये पोर्टल पर भी अमेंडमेंट आ गया है जो कि इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022 से। अब इसमें इन्होंने बताया है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 सेंट्रल चेक डेटेड 24 सितंबर 2021 क्लास ए ऑफ द सब रूल 6 ऑफ रूल 59 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017। तो इसमें इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था 35/2021, उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ है वो देखते हैं। वाज अमेंडेड बाय वे ऑफ दिस अमेंडमेंट फॉर द वर्ड्स फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1, अगर हमने पिछले 2 महीने के फाइल नहीं किए हैं या 2 क्वार्टर के फाइल नहीं किए हैं तो आपको अगले रिटर्न फाइल करने नहीं दिया जाता था, यानी मंथली में था 2 महीने का और क्वार्टरली में था 1 क्वार्टर का। ऑन 1 जनवरी 2022 दिस मीन्स दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स इफ अ मंथली फाइलर हैज नॉट फाइल्ड द GSTR-3B फॉर द प्रिसीडिंग मंथ, यानी 1 जनवरी 2022 से ये नियम लागू हो गया है क्या कि अगर आपने पिछले महीने का GSTR-3B फाइल नहीं किया है तो आपको अगला GSTR-1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। देन सच टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फाइल द GSTR-1 फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ टिल द GSTR-3B फॉर द प्रिसीडिंग मंथ इज फाइल्ड। अगर आपने अपना पिछले महीने का GSTR-3B फाइल नहीं किया है तो आपको इस महीने का GSTR-1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कब तक हम फाइल कर सकते हैं और कब तक नहीं कर सकते हैं वो भी देखना है। आगे ये बता रहे हैं, दिस फंक्शनैलिटी विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल शॉर्टली, यानी अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। आफ्टर विच द सिस्टम विल चेक द फाइलिंग ऑफ प्रिसीडिंग GSTR-3B बिफोर परमिटिंग टू फाइल GSTR-1 फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ। इसका इलस्ट्रेशन भी दे दिया गया है, अ टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड द मंथली GSTR-3B फॉर नवंबर 2021, नाउ द टैक्स पेयर ट्राइज टू फाइल GSTR-1 फॉर दिसंबर 2021 ऑन 10 जनवरी 2022। अब यहां पर आप डेट भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कि अगर आपने अपना नवंबर महीने का GSTR-3B 10 जनवरी 2022 तक फाइल नहीं किया है तो सिस्टम आपको GSTR-1 फाइल नहीं करने देगा। मतलब आपको डेट भी ध्यान रखना है कि अगर आपने नवंबर महीने का GSTR-3B 10 जनवरी तक फाइल नहीं किया है तो आप GSTR-1 नहीं फाइल कर पाएंगे। टैक्स पेयर में काइंडली इंश्योर टाइमली फाइलिंग ऑफ GSTR-1 एंड GSTR-3B इन कंसोनेंस विद रूल 59 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस इन दिस रिगार्ड। तो इसमें जो रूल 59 सब रूल 6 का क्लास ए है वो भी देख लेते हैं क्या कहता है। ये है रूल 59 का सब रूल 6 का क्लास ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और गुड्स और सर्विसेज आर बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR-1।
इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। क्लास बी क्या कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। तो केवल जीएसटीआर 1 की बात ही नहीं हो रही है, अगर आप IFF फैसिलिटी का लाभ ले रहे थे तो उस पर भी आप नहीं काम कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको जीएसटीआर 3B नवंबर की अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किए है तो 10 जनवरी से पहले उसको जरूर से जरूर फाइल करने, अन्यथा आप दिसंबर का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें कि ये बताया गया है कि रूल 59 सब रूल 6 क्लास ए और क्लास बी के बारे में हम लोगों ने बात की, इसको ध्यान में रख करके ही हमको अपने रिटर्न फाइल करने हैं और बहुत जल्दी ये फैसिलिटी आपके पोर्टल पर भी एनेबल हो जाएगी जो कि चेक करके ही आपको बता देगा कि आपका रिटर्न फाइल है कि नहीं है और आप जीएसटी और फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक फैसिलिटी इन्होंने जीएसटीआर 1 में और भी दी है, इसमें आप अपना एड मास्टर कर सकते हैं। मास्टर ऐड करने के लिए आप उसमें जीएसटीआर 1 में जाएंगे और ऐड मास्टर में जाकर के आप उसका जीएसटी नंबर, नाम, सारी चीजें जीएसटी नंबर ही करेंगे, उसके बाद नाम अपने आप ही उठा लेता है, सारी चीजें चेक करके आप ऐड करते चले जाएंगे। तो जब भी आप जीएसटीआर 1, मतलब खास तौर से ये उन लोगों के लिए है जो कि उनके बिल्स बहुत कम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं पोर्टल पर डायरेक्ट जाकर के उनको फीड कर देते हैं। तो जो लोग पोर्टल पर जाकर के डायरेक्ट फीड करते हैं उनके लिए फैसिलिटी बहुत लाभप्रद है कि वो ऐड मास्टर करके अपने सप्लायर्स का नाम ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो उसका नाम लिखेंगे तो वो अपने आप ही उठा लेगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे पुनः है कि जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसमें अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं जिससे हम उस पर काम कर सकें और उस पर सुधार कर सकें। उसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। इसी के साथ धन्यवाद।